अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो अभी ना मैं किसी काम से इधर आई थी तो यहाँ बगल में आ गई थी नर्सरी। बहुत सारे गमले के पौधे मेरे ख़राब हो गए ना, तो मैंने दो तीन पेड़ लिया है। और ये देखिए वाइट वाला फूल कितना अच्छा लग रहा है। ये भी इंडोर प्लांट है, ये भी मैंने लिया है। और इसमें है ना पत्ता नहीं होता, ये सिर्फ फूल ही है। अभी बारिश के मौसम में, हालांकि इतनी बारिश तो इस बार हुई नहीं है अभी तक। अच्छा हरा भरा लग रहा था सब पेड़ पौधा, है ना, धुला बिल्कुल ताज़ा ताज़ा। बहुत सारा नए तरह का पेड़ पौधा भी था। इसी के साथ मैं यहाँ ना आई स्मार्ट, उसके बाद यहाँ स्मार्ट थोड़ा स्मार्ट बाज़ार आ गई थी। ये कुछ दिन पहले खुला है लेकिन यहाँ आई नहीं थी, तो बस यहाँ तो बस वही होम एसेंशियल ही मिल रही थी चीज़ें। अच्छा सारी चीज़ों पे है ना सेल लगा हुआ था। जैसे कि अभी बारिश के मौसम में हर चीज़ पे, हर मार्केट में, हर मॉल, हर दुकान में अभी सेल लगता ही है दो महीना। उसके बाद है ना फिर नया स्टार्ट होता है ना, दुर्गा पूजा से नया माल लगता है दिवाली से। तो इसमें भी लगा हुआ था, अच्छा था। और यहाँ सबसे पहले मैंने वो चीज़ लेने आई थी, किसी ने बताया था वहाँ जो प्लेन वाला प्लेट होता है ना, तो वो इधर हम लोग की तरफ वाले मॉल में नहीं मिलता था, जो वाइट प्लेन रहता है, तो यहाँ मिल गया था। तो इसी में बहुत अच्छा था तो मैंने ले लिया। और इस पर भी ऑफर था। अपने पार्लर आ गई थी, मुझे एक दो और काम था लेकिन बहुत तेज़ धूप था ना, तो फिर डायरेक्ट पार्लर आ गए। और यहाँ जैसे कि सेल का सीज़न है तो मैंने भी अपनी कुर्ती पे सेल लगा दिया। काफ़ी अच्छी अच्छी कुर्तियाँ हैं मेरे दो शॉप पे। मॉर्निंग कर है और आज काफ़ी दिनों के बाद आयान घर पे था। कई दिन से बोल भी रहा था छोला भटूरा बनाने, तो मैं आज छोला भटूरा बना रही, बहुत इंस्टेंट वाला बनाऊंगी। तो देखिए यहाँ पे ना 2 गिलास पानी में मैंने 2 टीस्पून चाय पत्ती डाल दिया और इसे अच्छे से बॉईल करके लेंगे कम से कम 10 मिनट तक। तो ये जो जिस तरह से होटल ढाबा वगैरह में मिलता है ना ब्लैक वाला, उस तरह से बनाऊंगी। तो यहाँ मैंने एक ये था 250 ग्राम चना को मैंने रात ही फुला दिया था और इसमें कोई भी हमें पेस्ट वगैरह नहीं डालने की ज़रूरत है। 2 बड़े साइज़ का प्याज और 2 बड़े साइज़ का मैंने टमाटर डाल दिया, 3 हरी मिर्ची डाल दिया है, 1 टीस्पून हम अदरक लहसुन का पेस्ट और खड़ा गरम मसाला में देखिए दालचीनी लौंग और 1 छोटी बड़ी इलायची हम इसमें ऐड कर देंगे। और बस जो है मसाला, जो पाउडर मसाला होता है, तो 2 टीस्पून मैंने डाला है धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। इसी के साथ हम 2 टीस्पून इसमें चना मसाला या छोला मसाला किसी भी ब्रांड का आप ले लेंगे वो इसमें ऐड कर देना है। साथ इसमें हम ना
सॉल्ट ऐड करेंगे और 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। और जो हमने पानी को अच्छे से बॉईल कर लिया था उसको छान के डालना है। बस पानी हमें इसमें इतना ही डालना है ना, जितना कि ये जो है डूब जाए चना और बाकी प्याज टमाटर वगैरह जो भी हमने डाला है इसमें। तो बस अब मैंने ये बॉयल पानी को इसमें डाल दिया जो चाय पत्ती का था। तो देखिए इससे डालने से कलर भी अच्छा होता है और टेस्ट भी थोड़ा बढ़ जाता है। और इसमें कोई भी मेहनत नहीं, ना आपको प्याज को लाल करके इसके बाद मसाला भुनना है, ना ही आपका प्याज टमाटर का पेस्ट बनाना है, कुछ भी नहीं करना है। बस सारी चीज़, क्योंकि चना गलने में टाइम लगता है ना, तो प्याज टमाटर सब गल ही जाता है और कुक भी अच्छे से हो जाता है। इसके बाद बस हमें 6 सीटी जो है ना, 1 सीटी हाई फ्लेम पर, उसके बाद 6 सीटी जो है मीडियम फ्लेम पर हमें इसे लगा लेना है। और थोड़ा सा हम इसमें ऐड कर देंगे बेकिंग सोडा, जिससे है कि ना वो बहुत सॉफ्ट हो जाता है चना, है ना। तो यहाँ मैंने सारे डाल के और उसके बाद अच्छे से मिक्स कर देना है। और इसे बस अब हम सीटी लगा के पूरी अच्छी तरह से इसे कुक कर लेंगे। तो देखिए सोडा डालने से ना वो चना बहुत सॉफ्ट हो जाता है, अगर आपने थोड़ा कम भी गलाया है ना तो वो सॉफ्ट हो जाएगा। और देखिए जब ये गल जाए ना तो बस हम इसके ऊपर का टमाटर के छिलका निकाल देंगे, लेकिन क्योंकि वो फिर मिक्स नहीं होता है तो इस तरह से हमें छिलका निकाल देना है। और फिर इसे अच्छे से है ना चला लेंगे हम, तक एक ही बार चलाएंगे, 2 बार तो सारा प्याज टमाटर जो भी है ना सारा अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और 2-3 जो है ना चना को थोड़ा सा ना इस तरह से पीस लेंगे इसी में अच्छे से, इस तरह से देखिए। तो इस तरह से करने से ना वो गाढ़ा हो जाता है चना। और आप इस तरह से भी खा सकते हैं, अगर आपको हेल्दी वे में खाना है, थोड़ा तड़का वड़का नहीं लगाना है, लेकिन तड़का वड़का लगाएंगे तो ये और टेस्टी बनेगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कसूरी मेथी और थोड़ा सा ही गरम मसाला लास्ट में ऐड कर देना है। और आपको थोड़ा सा पानी डालना है तो डाल दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा पतला भी रहेगा तो और आधा घंटा बाद ना ये खुद ही गाढ़ा हो जाता है। तो अब मैं ना इसमें थोड़ा सा तड़का लगा दूँगी। तो बस तड़का लगाने के लिए मैंने यहाँ सरसों का तेल ऐड किया है। इसी में हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा, 2 हरी मिर्चें अगर आप चाहें इसमें, तो अभी इस टाइम पे इसमें अदरक भी डाल सकते हैं, करी पत्ता डाल सकते हैं। तो बस इसमें तड़का लगा देना है। और इसमें आप हरी मिर्चें भी चाहें तो भी डाल सकते हैं, अगर प्याज भी डालना है तो भी डाल सकते हैं। और यहाँ बस मैंने तड़का लगा दिया और ये जबरदस्त छोला बन के रेडी हो गया। और यहाँ पे बन रहा है भटूरा, और इसी के साथ प्याज और अचार के साथ सर्व करने से बहुत टेस्टी बनता है। गमला का है ना पेड़ सूख गया था, बहुत सारा पेड़ मेरा सूख गया, क्योंकि बहुत तेज़ गर्मी भी है और बीच में जब नागपुर थी था तो इसमें अच्छे से देखभाल भी नहीं हुआ, तो बहुत सारा गमला मेरा खाली हो गया। लेकिन बस अब इसी में मैं अब अपना अपने घर से ही कटिंग करके स्पाइडर प्लांट या फिर जो है मनी प्लांट सब, ये सब बरसात में लग जाते हैं अच्छे से लगाने से। तो देखिए मैंने मनी प्लांट का डंटी काट लिया है अपनी इसमें से और इसको लगाऊंगा। मनी प्लांट तो खैर लग ही जाता है। और बस ये था आज का मेरा छोटा सा ब्लॉग। प्लीज़ पसंद आए तो लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।